सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? स्वागत है और एक इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियो पे। तो आज हम फिर से करने वाले हैं कुछ मीथ को बास्टेड और कंफर्म। तो पहला मीथ है, बोलेरो को लेके पूल के अंदर जाओ, फिर जब आप पूल से ऑटोमेटिक निकलते हो उसी समय कार में एंटर का ऑप्शन दबाना, फिर फर्स्ट पर्सन करके देखना, मैजिक होगा। ओके, इस स्विमिंग पूल में हमें बोलेरो को लेना है, कोई बात नहीं भाई। तो बोलेरो को स्पॉन कर लेते और बोलेरो का चीट कोड है 3100। चलो पानी में ले जाते हैं। अरे 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 भाई, उल्टा हो गया, सीधा हो जा भाई। चलो हो गया, अभी हमें क्या करना है, इसका जो गेट है ना उसको साइड पे लगाना है। चलो साइड में लगा दिया, अभी हमें उतरना है और उतरते वक्त कार में बैठना है। उतर गया और ये स्विमिंग पूल में उठते वक्त कार में बैठना है। चलो हो गया, बैठ गया मैं। अरे बीच में क्यों बैठा है भाई? और फर्स्ट पर्सन करने पे देखो भाई, इसका मुंडी दिख रहा है, जिसे कैमरे पे होता है ना, मतलब सेल्फी लेना या फोटो खींचना, वैसा ही पूरा उसका फेस दिख रहा है, मतलब मुंडी दिख रहा है और ऊपर नीचे भी कर रहा है, गजब है भाई। और थर्ड पर्सन करने पे देखो भाई किधर बैठा है, शायद कार में पानी के अंदर बैठा है ना, तो इसीलिए बीच में बैठा है, मतलब तैर रहा है, लेकिन स्टीयरिंग घुमा रहा है भाई, स्टीयरिंग नहीं छोड़ा। मैं बहुत दिन से गेम खेल रहा हूँ लेकिन आज तक मैंने इसका फेस नहीं देखा था, आज देख लिया। तो ये मीथ होता है कन्फर्म। दूसरा मीथ है, न्यू अपडेट के बाद हेलीकॉप्टर का व्यू चेंज हो गया। देखो, न्यू अपडेट के बाद हेलीकॉप्टर में बैठने का तरीका और साउंड चेंज हो गया था, लेकिन व्यू चेंज हो गया मतलब क्या है भाई, चलो देख लेते हैं। 8000 डाल करके हेलीकॉप्टर स्पॉन कर लिया और हेलीकॉप्टर पे बैठ भी गया, लेकिन भाई कोई तो व्यू चेंज नहीं हुआ है, मतलब कौन सा वाला व्यू भाई? ओके, फर्स्ट पर्सन करने पे जो व्यू आता था ना वो चेंज हो गया, मतलब पहले क्या होता था भाई, हमारा घुटना दिखता था, लेकिन अभी देखो भाई कितना साफ दिख रहा है, मतलब सामने जो कुछ है सभी दिख रहा है। और पहले इसका इंटीरियर भी आता है, मतलब कॉकपिट में जो रहता है ना भाई, कंप्यूटर वो आ जाता था, लेकिन अभी देखो भाई पूरा क्लियर दिख रहा है। और इसका दोनों हाथ भी देखो भाई, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं भाई, मैं हैंडल बोल रहा हूँ, तो इसको हैंडल को भी देखो कितना अच्छा तरीके से पकड़ कर रखा है। पहले तो भाई घुटना आ जाता था, उसके बाद इंटीरियर आ जाता, मतलब कुछ दिखाई नहीं देता था फर्स्ट पर्सन करने पे, लेकिन दिखाई दे रहा है। तो ये मीथ होता है कन्फर्म। तीसरा मीथ है, अगर हम फैन ऑन करके गेम को रिस्टार्ट करेंगे तो फैन ऑन रहेगा। फैन को ऑन करने के लिए हमें RGS टूल्स पे फैन ऑन लिखना पड़ेगा, फैन ऑन। चलो लिख दिया और फैन भी ऑन हो गया। अभी हमें क्या करना है, गेम को बैक करके रिस्टार्ट करना। मैंने गेम को ऑफ करके रिस्टार्ट कर लिया, अभी देखना है फैन ऑन है या ऑफ है। अरे कितना टाइम लगा रहा है भाई। हाँ भाई, फैन तो ऑन है, देखो मैंने गेम को ऑफ करके फिर से रिस्टार्ट किया, फिर भी फैन ऑन हो रहा है, मतलब भाई गेम को ऑफ करके आप फैन ऑफ नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपको RGS टूल्स पे फैन ऑफ लिखना ही पड़ेगा। तो ये मीथ भी होता है कन्फर्म। चार नंबर मीथ, बोलेरो का शैडो नहीं होता है। तो 3100 डाल करके बोलेरो को स्पॉन कर लिया, अभी देखो मेरा शैडो आ रही है, मतलब इसका भी आएगा, देखो मैं बोला था ना भाई इसका भी आएगा। तो ये मीथ होता है बस्टेड। पांच नंबर मीथ, न्यू फायर ट्रक का फर्स्ट पर्सन कैमरा एंगल सभी कार से अलग है। नया वाला जो फायर ट्रक आया है उसका चीट कोड है 606। देखो इसका जो थर्ड पर्सन व्यू है ना वो तो नॉर्मल है, अब इसका फर्स्ट पर्सन करके देखते हैं। ये क्या है भाई, ये फर्स्ट पर्सन है भाई, थर्ड पर्सन पे भी तो ऐसा ही दिखता है, जस्ट इसको ऐसे मोड़ो और हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन। तो ये मीथ भी होता है कन्फर्म। ऐसे और मीथ बास्टर्ड की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपको अगर कुछ मीथ के बारे में पता है तो कमेंट करके बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।